सत श्री अकाल प्रिय विद्यार्थियों, मैं चरणजीत सिंह अज थानू जॉब रोल सोलिनेशियस क्रॉप कल्टीवेटर जमात 10वीं दे तीसरे यूनिट इंटैग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट इन वेजिटेबल क्रॉप्स बारे इस वीडियो लेक्चर राही जानकारी देवगा। आस करदा हाँ कि तुहानू यह लैक्चर पसंद आएगा और तुसी इसनों ध्यान नाल सुनोगे। सब तो पहला असं गल करते हाँ सेफ प्रोड्यूस बारे। प्रोड्यूस मतलब जो भी असं अपने खेतों के विच बीजते हाँ, जो चाहे वह किसी भी तरह की कोई फसल हो, चाहे वह फल हो, चाहे वह सब्जियां हो, या होर भी कई तरह दियाँ अपने खेतों में बीजिया जाने वाली फसल हो। सेफ प्रोड्यूस तो भाव कि जो भी असं अपने खेत के बीजते हाँ वह ताज़ा हो, बीमारियों तो रहित हो, साढ़े खेत विचों निकलिया हुआ जो भी पैदावार है वह कीड़े मकौड़ों तो रहित हो, उसनों किसी भी तरह की किसी भी कीड़े द्वारा या किसी भी बीमारी द्वारा हानि ना पहुँचाई गई हो। सेफ प्रोड्यूस की महत्ता की है? सेफ प्रोड्यूस जोड़ा है वो कई तरह दियाँ भोजन तो होने वाली बीमारियों तो बचाता है। जे सेफ प्रोडक्शन हो तां उसकी पैदावार भी वध हुंदी है, वधिया तरीके दे फल हुंदे हन ते ओ सानू वधिया कमाई भी करके दिंदा है। सब तो पहला असीं गल करते हाँ नैचुरल एनिमीज बारे, जिहड़े कुदरती दुश्मन हन जो कि साडियां फसलां नू नुकसान पहुँचाते हैं ते साडियां फसलां नू बीमारियां लगाते हैं जां उन्हों खराब कर देंगे। कुदरती दुश्मन अजिहे कीड़े होंगे हैं जेडे कि पौधे के उपर रह के जां पौधे के विच रह के उन्होंने खत्म कर देंगे हैं। ये उन्होंने जो जरूरी तत् हैं उन्होंने खा लेंगे हैं। ये पौधे के पत्तियां के उपर, पौधे के तने के विच, जां पौधे के जड़ां विच रह के पौधे को खत्म करने का काम करते हैं। इन्हों इंटैग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के नाल काबू किया जा सकता है। नैचुरल एनिमीज इन्हों दो ग्रुप्स में वंडिया गया है, एक प्रीडेटर एक पैरासिटॉइड्स। प्रीडेटर्स का भाव शिकारी होंगे है जिहड़ा कि अपना शिकार करके खाता है। पैरासिटॉइड्स जिहड़े कि किसी भी दूसरे के उपर निर्भर रह के खाते हैं, उन्होंने पैरासिटॉइड्स कहते हैं। तुसी तस्वीर दे विच देख सकते हो पहले पैरासिटिज्म लिखा होया है जिस दे विच एक मच्छर एक चमड़ी के उपर बैठा है तो उस दे विचों खून चूस रहा है। दूसरी तस्वीर दे विच तुसी देख सकते हो कि एक जो शेर है वह अपना शिकार कर रहा है। हुण गल करते हाँ विस्तार पूर्वक प्रीडेटर्स बारे। प्रीडेटर्स जिहड़े है वह अपना शिकार करके ही खाते हैं। ये दूसरे जानवर को मार के उसनों खत्म करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं। पैरासिटॉइड्स जो है ये दूसरे जानवरों के बिच रहते हैं और उन्होंने खत्म कर देते हैं, जां तां ये उसकी बिच वड़ जाते हैं जां फिर उसकी चमड़ी की तह के उपर रह के उसनों खत्म कर देंगे। अगे गल करते हाँ क्रॉप डिजीज बारे, जिहड़ियां साडियां फसलों नूं बीमारियां लगदियां हन, क्यों लगदियां हन, किवें असीं इन्हां दी पहचान करते हाँ, इस दे बारे जानकारी लैंदे हाँ। सब तो पहला जिहड़ियां वैजिटेबल क्रॉप डिजीज हन उन्हां नूं असीं किस तरीके नाल परिभाषित कर सकते हैं। वैजिटेबल क्रॉप डिजीज वो होंदियां हन जिहड़ियां कि साडियां सब्जी दियां फसलां नूं अपनी वध तों वध पैदावार करन तों रोकदे हन। पौधे दियां जो बीमारियां हन उन्हां दे कुछ मुख्य लक्षण होंदे हन जिवें कि विल्टिंग, ब्लॉचिज, रस्ट, स्कैब अते होर भी इहो जिहे पौधे
बहुत सारे लक्षण होंगे हन जिहड़ियां कि पौधे दी बीमारियों के पाए जाते हैं। तीन जो जरूरी चीज़ा हैं जिन्हां दी वजह दे नाल बीमारियां होंदियां हन। सब तो पहला बीमारी होण लई एक होस्ट प्लांट होना बहुत जरूरी है जिस दे उपर बीमारी लगती है। दूसरा एक पैथोजन होना जरूरी है जिस दी वजह दे नाल बीमारी लगती है। ते तीसरा एनवायरमेंट, तीसरा मतलब वो ढुकमा वातावरण होना चाहिए है जिस दे विच बीमारी लगती है। जेकर इन्हां तिन्हां दे विचों एक भी चीज़ नहीं है तो बीमारी लगन दे चांस घट जाते हैं। जां इन्हां दे विचों कोई भी चीज़ जो घट घट मात्रा दे विच होवे तां भी बीमारी लगन दे चांस घट होंदे हन ते उह घट नुकसान पहुँचाती है। अगे आ जाता है डिजीज साइकल, बीमारी होंदी किवें है, एक साइकल दे तो थ्रू होंदी है। सब तो पहला इनोकुलेशन, इनोकुलेशन तो भाव कि जिहड़ी बीमारी है वह किसी नूं मतलब इंट्रोड्यूस करती है, पौधे दे उपर आती है। फिर पेनीट्रेशन, पेनीट्रेशन तो भाव कि वह पौधे दे विच बढ़ती है। तीसरा इनफेक्शन, जदों वह पहला वह पौधे तक पुजी फिर उस दे विच गई ते तीसरा वह उसनू उस दे विच इनफेक्शन करना शुरू कर देंदी है। ते चौथा सर्वाइवल, सर्वाइवल दे विच ते वह जदों इनफेक्शन भी कर गई उस तो बाद वह उस दे विच रहन लग जाती है जदों तक कि उसनू उस दे ढुकमे हालात मिले जान। जदों उसनू उस दे ढुकमे हालात मिलने बंद हो गए तो उस टाइम वह जिहड़ा हैगा उसकी जो रहन दी समर्था है वह भी घट जाती है ते बीमारी खत्म होने लग जाती है। अगे गल करते हैं प्लांट पैथोजन बारे कि प्लांट पैथोजन जिहड़े के जिन्हां दी वजह दे नाल बीमारियां लगदियां हन वह किहड़े किहड़े हन। पहला है फंजाई, दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा फाइटोप्लाज्मास, चौथा वायरसिस, पंजवा निमेटोड्स। तस्वीर दे विच तुसी देख सकते हो फंजाई किस तरीके का होंदा है, बैक्टीरिया किस तरीके का होंदा है, वायरस किस तरीके दे होंदे हन अते निमेटोड किस तरीके दे होंदे हन। सब तो पहला असी विस्तार पूर्वक गल करते हैं फंजाई बारे। फंजाई जड़ियां हैं यह बहुत सारे पौद्यां दे विच आम तौर पर देखे जाते हैं। ये जो जीवाणु हैं यह अपना भोजन खुद बनाते हैं, क्लोरोफिल की घाट कर देंगे हैं ते इन्हां दी जिहड़ी ग्रोथ है वह फिलामेंटस होंदी है अते यह जिथे भी यह होंदी है बीमारी उस दे विच यह ज़्यादा यह मतलब शेक कर देंगे हैं, कईयां दे विच यह शेक नहीं करते। तस्वीर दे विच तुसी देख सकते हो कि जो फंजाई द्वारा हुई बीमारी है उसके की लक्षण हैं वह किस तरीके से दिखते हैं। अगे गल करते हैं बैक्टीरिया बारे। बैक्टीरिया जो है यह सिंगल सैल माइक्रोस्कोपिक जीवाणु होंगे हैं जिहड़े जिन्हां दे विच सैल वॉल होंगी है अते यह बाइनरी फिजन जिहड़े कि एक सैल दो दे विच वंड हो जाता है उस द्वारा यह अगे वधदे हैं। यह पौधे दे विच कई तरह दियां नैचुरल ओपनिंग्स जिवें कि पौधे दे विच कोई जख्म हो गया जां पौधा किसी पासों छिल हो गया उसदे राहीं ही पौधे दे विच बढ़दे हन। कहा जाता है फाइटोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा भी जिहड़े हैगे इह माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया होंदे हन जिन्हां दे विच सैल वाल नहीं हुंदी अते इह फिलामेंटस तौर ते बाहर दिखते हैं। अगे गल करते हैं वायरसिस बारे। वायरसिस जिहड़े होंदे हन वो इंट्रासैलुलर होंदे हन जिहड़े कि सैल दे विच रहिंदे हन अते इह न्यूक्लिक
एसिड पार्टिकल होंगे जिन्हों के उपर प्रोटीन कोट होंगी है जेडे कि दूसरे जिंदा जीवाणुओं इनफेक्ट करते हैं। यह होस्ट दे विचकार रह के ही अपने आप को बढ़ाते हैं। अपने अगे गल करते हाँ नेमाटोड्स बारे। नेमाटोड्स जोड़े है ये माइक्रोस्कोपिक कीड़े होंगे। नेमाटोड्स जोड़े है ज़्यादातर मिट्टी के बच्चे रेंदे हैं तो यह मिट्टी के घूमते फिरते हैं। यह जड़ां के उपर ज़्यादा अपना प्रभाव छड़ते हैं तो यह जड़ां खोखलियाँ कर देंगे जिन्ह की वजह नाल पौधा जोड़ा है वह सुक जाता है। अगे गल करते हैं बीमारियां किन्ने तरीके दे होंदी हैं। बीमारियां जिहड़ियां कि वह दो तरीके दियां जां दो तरह के प्रभावों द्वारा होंदियां हैं। पहला बायोटिक फैक्टर्स दूजे अबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स होंदे हैं जिन्हां दे विच जिहड़ियां कि लिविंग ऑर्गेनिज़म इनकलूड होंदे हैं। अबायोटिक फैक्टर्स वो होंदे हैं जिन्हां दे विच जिहड़े बाहरी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म जिहड़े कि जिन्हां दे विच निर्जीव प्रभाव पैंदे हैं उन्होंने एबायोटिक फैक्टर्स कहिंदे हैं। हुण असीं इन्हां बारे विस्तारपूर्वक जानकारी लैंदे हैं। सब तो पहले गल करते हैं बायोटिक डिजीज़ जां बायोटिक फैक्टर्स बारे। बायोटिक डिजीज़ जिहड़ियां हैगियां इह फिजिकल साइन दसदियां हन जिवें कि उस दे विच फंगल ग्रोथ होगी जां निमेटोड्स हो गए सिस्ट बन गए उन्हां दे। ते बायोटिक डिजीज़ दे विच जिहड़े कि लिविंग ऑर्गेनिज़म जिवें कि पैथोजन जिहड़े तुहानूं पहलां दसे गए हन फंजाई बैक्टीरिया वायरसिस निमेटोड्स आदि ये बायोटिक डिजीज़ नूं बनाउंदे हन जिवें कि लीफ रस्ट पाउडरी मिलड्यू। ये जिहड़ियां बीमारियां बायोटिक फैक्टर्स की वजह दे नाल होंदियां हन। अगे गल करते हाँ अबायोटिक डिजीज़ या अबायोटिक फैक्टर बारे। अबायोटिक डिजीज़ जिहड़ी हैगी ओह पौधे अते होर बहुत सारे जिहड़े प्रभाव हन जिवें कि थां की कमी ज़्यादा मॉइस्चर होना मिट्टी दे विच ज़्यादा पीएच होना जां घट पीएच होना रोशनी का जां गर्मी के प्रभाव के कारण होंदे हन। अबायोटिक फैक्टर दे विच निर्जीव चीज़ां पाईयां जांदियां हन। ये जिहड़ियां बीमारियां इस दे द्वारा होंदियां हन उसनूं वाटर स्ट्रैस कहा जाता है। अते होर भी इहो जिहियां कई बीमारियां हन जिहड़ियां कि अबायोटिक डिजीज़ जां अबायोटिक फैक्टर द्वारा होंदियां हन। हुण असीं गल करदे हाँ कुछ जिहड़ियां आम सब्जी दियां बीमारियां हन। पहला एंथ्रैकनोज, दूसरा बैक्टीरियल लीव स्पॉट, तीसरा क्लब रूट, चौथा डाउनी मिल्ड्यू, पंजवा अर्ली ब्लाइट, छेवा लेट ब्लाइट, सतवा मोसाइक वायरस, अठवा पाउडरी मिल्ड्यू, नौवा रस्ट, दसवा विल्ट। हुण इन्हां बारे विस्तारपूर्वक जानकारी दिंदे हाँ कि इन्हां दे किहड़े पौधों ते यह असर करदी है कि इन्हां दे लक्षण की हन ते इन्हां नूं कंट्रोल किस तरीके नाल कीता जा सकता है। सब तो पहला गल करते हाँ एंथ्रैकनोज बारे। इस दे द्वारा जिहड़ियां फसल हैं जो सब्जी दी फसल हैं वह कड़ी इनफेक्ट होंदियां। टमैटो जाने कि टमाटर, ककंबर, मैलन अते बीनज, ये जिहड़ियां हैगियां फसल इहदे द्वारा प्रभावित की जाती हैं। सिमटम की हैं, इस दे लक्षण की हैं। जिहड़ा फल है उसके उपर छोटे छोटे शेक हो जाते हैं गुलाबी कलर के जां हल्के भूरे कलर के जिहड़े हैगे वह पत्ते दे उपर जां फल दे उपर दाग पाने शुरू हो जाते हैं जदों कि मौसम सिल्ला हो गए। इसका काबू करने का तरीका, काबू करने के तरीके दे विच इस दे उपर जिहड़ी कि कॉपर जां निम की स्प्रे की जानी चाहिए है। जद इसनूं बीमारी लगन तो पहला स्प्रे कर दिता जाए जां फिर इसनूं जोड़ा इसका इनफेक्शन पीरियड होंदा हैगा
ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਲੀਫ ਸਪੋਟ ਬਾਰੇ। ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਲੀਫ ਸਪੋਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ, ਪੈਪਰ, ਕੈਬੇਜ ਐਕਸੈਟਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਲੀਫ ਸਪੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਮਟਮ ਲੱਛਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਸਪੋਟਸ ਅਤੇ ਕਰੈਕਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦਾਗ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਸਲਫਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਪਰ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੀ ਫੰਗੇਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੋ ਕਰੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਪਰ ਬੇਸਡ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਜਾਂ ਸਲਫਰ ਬੇਸਡ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹਨ ਕਲੱਬ ਰੂਟ। ਕਲੱਬ ਰੂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਕੈਬੇਜ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੋਭੀ, ਬਰੋਕਲੀ ਅਤੇ ਕੋਲੀਫਲਾਵਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਟਮ, ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜੋ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤੇ ਹਨ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੌਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਘੱਟ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਊਨੀ ਮਿਲਡਿਊ ਬਾਰੇ। ਡਾਊਨੀ ਮਿਲਡਿਊ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਨੀ ਮਿਲਡਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਮਟਮ, ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਫੇਦ ਅਤੇ ਪਰਪਲ ਰੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਧੱਬੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਤਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਪਰ ਸਲਫੇਟ ਫੰਗੇਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 7 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਰਲੀ ਬਲਾਈਟ, ਅਰਲੀ ਬਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਮਾਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਟਮ ਹਨ ਕਿ ਬਰਾਊਨ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਸਪੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕੰਟਰੋਲ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਪਰ ਬੇਸਡ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਲੇਟ ਬਲਾਈਟ, ਲੇਟ ਬਲਾਈਟ ਇਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਧੱਬੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੌਦੇ ਦੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਪਰ ਬੇਸਡ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਦੀਆਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 7 ਦਿਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੋਸਾਇਕ ਵਾਇਰਸ, ਮੋਸਾਇਕ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਬੀਨਸ, ਟਮੈਟੋਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਪਰਸ। ਇਸਦੇ ਜੋ ਲੱਛਣ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
इकट्ठे हो जाते हैं, जिहड़े पौधे की ग्रोथ है वह भी रुक जाती है। कंट्रोल इसनों काबू करन दा तरीका, इस दे लई सानू बीमारी तो रहत जिहड़ियां किस्म हैं उन्हों की वरतों करनी चाहिए है, और सानू जिहड़े कीड़े मकौड़े हैं उन्होंने भी फसल ते आउण तो रोकना चाहिए है। पाउडरी मिल्ड्यू जिहड़ी बीमारी है इस दे नाल जो फसलां प्रभावित होंदियां हन, वो ये लगभग ही सारियां जिहड़ियां सब्जी दियां फसलां है उसके उपर प्रभाव पाउंदी है। इसके लक्षण की है कि सफेद जां फिर ग्रे कलर दे जिहड़े हैगे वो पाउडर लग जांदा है पत्तियां दे उपर, पत्ते जिहड़े हैगे ग्रे जां चिट सफेद रंग दे एक पाउडर पदार्थ दे नाल ढके जांदे हन। कंट्रोल इसनूं किस तरीके नाल काबू कीता जांदा है, जदों ये बीमारी हो जाती है जां फिर सानूं हफ्ते दे विच ही इस दे उपर ग्रीन क्योर जां फिर सल्फर दे फंगीसाइड की वरतों करनी चाहिए है। अगे आ जाता है रस्ट, रस्ट दे नाल जिहड़ियां बीमारियां प्रभावित होंदियां हन फसलां प्रभावित होंदियां हन वह हन बीन्स कैरट्स कॉर्न ओनियनस। इस दे लक्षण, लक्षणों के वजों इस दे पत्तियां दे उपर हल्के लाल अते भूरे कलर के दाग पै जाते हैं। कंट्रोल जेकर कोई भी कई पौधे जोड़े है वह ज़्यादा इस बीमारी में प्रभावित होंगे उन्होंने कट देना चाहिए है, खत्म कर देना चाहिए है, इसकी डस्टिंग करनी चाहिए है सल्फर पाउडर के नाल इस इन्फेक्शन तो बचाने के लिए। वेल्ट विल्ट दे जिहड़े क्रॉप्स इन्फेक्टेड हैं वो हैं पोटैटोज टोमैटोज पैपरस अते मेलन्स। सिम्पटम की लक्षण की हैं, पौधे जिहड़े हैगे वो मुड़े हुए होंदे हैं सुक जाते हैं ते वो हल्के पीले रंग दे बन जाते हैं। इसनों कंट्रोल करन दा तरीका, सॉयल सोलराइजेशन करनी चाहिए है इसनों कंट्रोल करन लई, और इस दे लई कोई भी तरीका नहीं है क्योंकि ये बीमारी लगभग हरेक वैरायटी के हरेक किस्म के लगती है। ये मिट्टी के होने वाली बीमारी है जिड़ी कि हर एक फसल में हरेक तरह की किस्म में लग जाती है। अगे गल करते हैं डिजीज रिकोगनाइजेशन बारे, असी बीमारी को पहचानना किवें है। सब तो पहला जोड़ा है साड़ा काम है कि सानू उस पौधे नूं चंगी तरह देखना चाहिए है, तो सानू उस बारे थोड़ा पता होना चाहिए है कि असी किस बीमारी नाल लड़ रहे हैं, तो सानू दूसरा जो उस दे नाल दा जो तंदुरुस्त पौधा है उसनों भी चंगी तरह देख लेना चाहिए है, और दोनों के बीच फर्क करना चाहिए है कि किहड़ा पौधे दे विच किस तरीके की बीमारी लगी हुई है। दूसरे स्टैप दे विच सानू जो बीमारी लगी हुई है साडे पौधे नूं उसदे जो सिम्पटम हन लक्षण हन अते जो वह चिन्ह दसदे है उसनों ऑब्जर्व करना चाहिए है देखना चाहिए है। तीसरा सानू जिहड़ियां उस समय दियां जो वातावरण दियां कंडीशन हन उन्हां बारे सानू जानकारी होनी चाहिए है जिथे कि वह पौधा उगया होया है। फिर सानू कलैक्टिंग सैंपल्स, फिर सानू उसदे सैंपल जिहड़े है वह इकट्ठे करने चाहिए हैं। सब तो पहला कि होस्ट प्लांट केड़ा है जिसके उपर बीमारी लगी है उसदे लक्षण देखने चाहिए हैं, तो सानू उसका सैंपल लेना चाहिए है। सैंपल जिहड़े हैगे उह दोनों दे लेने चाहिए हन, तंदुरुस्त पौधे दे भी अते बीमार पौधे दे भी। कंटेमिनेशन नूं तों बचाउण दे लई दोनों नूं जिहड़े कि प्रभावित होया पौधा अते ना प्रभावित होया पौधा इन्हां नूं अलग 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 कंटेनर दे विच ही पाउणा चाहिए है, इक कंटेनर दे विच
नहीं पाना चाहिए। उस तो बाद लेबोरेटरी टेस्ट करना चाहिए है, जिस दे नाल के सानू कन्फर्म हो सके कि यह बीमारी केड़ी है, क्योंकि कई तरह दियां बीमारियां हन जिहड़ियां कि इक्को तरह के साइन शो करते हैं, तो उस दे लेबोरेटरी टेस्ट करने तो बाद ही पता लगता है कि यह बीमारी केड़ी है। अगे आ जाता है कि जदों असी पहला बीमारी नूं पहचान लिया, दूसरा उसनूं कन्फर्म कर लिया सैंपल लैण तो बाद, फिर उसनूं असी कंट्रोल किस तरीके नाल करना है। जदों ही असी एक बीमारी नूं पहचान लैंदे हाँ, तो सानूं उसे टाइम ही उसदे जिहड़े हैगे प्रभावी तरीके, उसनूं खत्म करन दे प्रभावी तरीकों नूं वरतना चाहीदा है। सब तो पहला की है कि उसकी डिवेलपमेंट करनी चाहिए है उस तो बचण वालियां किस्मां दी। दूसरा जो है कि सानू कल्चरल कंट्रोल प्रैक्टिसेस वरतनी चाहिए हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जिन्हों नू असीं कहिंदे हन। तीसरा उस दे उपर काम करन वाले प्रभावित कैमिकल्स की वरतों करनी चाहिए है, ते चौथा बायोलॉजिकल कंट्रोल जिहड़े कि कीड़ियां द्वारा कीती जांदी है। हुण तक जो असी पढ़िया है उसका अभ्यास करना जरूरी हो जाता है। आओ हुण असी थोड़ा जिहा उसके उपर चानना पाइए अते उसका थोड़ा अभ्यास करिए। सब तो पहला प्रश्न है कि डिजीज की है, बीमारी की है। बीमारी वो चीज़ है जो कि साड़ी सब्जियों की फसल में अपनी वध तो वध पैदावार करन तो रोके। बीमारी वो चीज़ है ये जड़ी साड़ी फसल नूं प्रभावित करती है, अपने जिहड़े कि वह चिन्ह दसदी है, अपने लक्षण दसदी है, उसनूं बीमारी कहा जाता है। वट इज नैचुरल एनिमी, कुदरती दुश्मन कहड़े हन? कुदरती दुश्मन वो हन जिहड़े कि दूसरों नूं मार देंदे हन, दूसरों के उपर रह के उन्होंने खत्म कर देंदे हन, साड़ी फसल की पैदावार नूं भी प्रभावित करते हैं। तीसरा वट आर प्लांट पैथोजेंस, प्लांट पैथोजेंस की हैं? प्लांट पैथोजन वो जीवित जीवाणु हैं जिहड़े कि बीमारियां फैलाते हैं, जब बीमारियां जिन्हां दी वजह दे नाल हुंदी है। चौथा नेम सम प्लांट पैथोजन, कुछ प्लांट पैथोजन के नाम दसो। पहला फंजाई, दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा फाइटोप्लाज्माज, चौथा वायरसेस, पंजवा नेमेटोड्स। वट इज डिजीज साइकिल, डिजीज साइकिल दे विच की होंदा है? पहला इनोकुलेशन, दूसरा पेनीट्रेशन, तीसरा इनफेक्शन, चौथा सर्वाइवल। मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया है इनोकुलेशन तो भाव कि जदों बीमारी साढ़े पौधे दे उपर आई। दूसरा पेनीट्रेशन, पेनीट्रेशन जदों बीमारी आने तो बाद उस पौधे दे विच वड़ गई। तीसरा जदों साढ़े पौधे दे विच बीमारी बढ़ गई, फिर उस दे विच अपना असर करना शुरू कर दिंदी है, तो उसनों इनफेक्ट करना शुरू कर दिंदी है। चौथा सर्वाइवल, सर्वाइवल तो भाव कि वह बीमारी जदों साढ़े पौधे दे इनफेक्ट करना शुरू कर गई कदों तक रहिंदी है, उदों तक रहेगी जद तक इसनों उसका ढुकवा वातावरण मिली जाऊगा। आस करता हाँ कि तुहानूं